हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिएटिव चेतन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हमारे पास है डोम्स के इरेजर, जो कि दो इरेजर आते हैं एक पैक के अंदर। आज की इस वीडियो में हम इनके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मैं रिसेंटली एक लोकल मार्केट से लेके आया था, मतलब ये आपको आसानी से लोकल किसी भी दुकान के अंदर मिल जाएंगे, स्टेशनरी की शॉप के अंदर। ये इसके साथ मैं आपको बार भी दिखा देता हूँ क्या कुछ लिख रखा है। इनकी MRP 20 रुपीज़ है, मतलब कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे देखो विद इरेजल केस लिख रखा है, मतलब इरेजल का ये प्लास्टिक का एक केस है इधर आपको दिख रहा होगा, शायद इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं, सिर्फ इसमें है। ये मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ इसमें, मतलब यहाँ पे लिख रखा है टू इरेजर। ये क्या है, फ्री ऑफ PVC, फ्री ऑफ पैथलेट। ये आप देख लेना क्या कुछ है, इधर पीछे कुछ ऐसे ही लिख रखा है, एवरी एम्बिनेशन नीड पेशेंट्स प्रोडक्ट इरेजर। ये इसका साइज है, नेट क्वालिटी 2N, MRP लिख रखी है इधर। और इसमें लिख रखा है वार्निंग, नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बच्चों से नीचे के लिए इनको मतलब नहीं है। तो अनबॉक्स करते हैं इनको, इधर से अनबॉक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा हाथ से ही खुल जाएगा ये। ये देखिए गाइस, आप इसके अंदर मतलब दो केस से आते हैं, दो ऐसे इरेजर आते हैं। एक केस आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ऊपर से केस है, इस पर भी कुछ कुछ लिख रखा है, डोम्स शार्प माइंड्स। एक इरेजर की इसमें कॉस्ट होगी 10 रुपीज़, इधर लिख रखा है जैसे कि MRP है ₹10, इस पर भी लिख रखा हुआ, इस पर भी ये रहा MRP ₹10। चलिए अब इनको अनबॉक्स करते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ से मतलब ऐसे खुल जाते हैं आसानी से। इनका साइज़ मेरे को सेम लग रहा है, हाँ साइज देखो, इनका साइज़ दोनों का सेम ही साइज़ है। मेरे को लग रहा था एक इनका बड़ा होगा, पर ये दोनों एक ही साइज़ के। चलिए अब इनको एक को निकाल के देखते हैं, चलिए इनको अनबॉक्स करते हैं। अब इधर से इसको खोलते हैं, इसको मेरे को अनबॉक्स करने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे इरेजर्स को काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को इधर से ऐसे अनबॉक्स करने में। ये देखिए काफ़ी अच्छा सा इरेजर है इसको, ये देखिए डोम्स, डोम्स का मार्किंग भी है इधर, डोम्स लिख रखा है इधर, इरेजर लिख रखा है। अब ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा डोम्स इरेजर, ये देखिए दिख रहा है डोम्स इरेजर लिख रखा है इस पर। इसकी एक और ख़ासियत है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इरेजर मतलब लोकल जो इरेजर आते हैं उनमें ऐसी कुछ नहीं होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हम शेडिंग कर रहे होते हैं, मैं आपको एक हल्का सा शेड करके दिखाता हूँ इस पर। ये देखिए थोड़ा बहुत ऐसे शेड हो चुका है ना, जैसे कि हमको लोकल इरेजर्स में हम ऐसे इरेज करेंगे ना तो फिर ऐसे कुछ हो जाता है, मतलब ऐसे ही निकल के आ जाते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा अड़ंगा सा हो जाता है ऐसे, फिर हमको इसको हाथ से निकालना पड़ता है, ऐसे फूंक मारते हैं। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मतलब जैसे हम इरेज करेंगे ना तो आप देखेंगे कुछ ज़्यादा मतलब इरेज भी हो गया और मतलब ऐसे हुआ भी नहीं है अड़ंगा सा। देखो इसको हम निकालेंगे तो ऐसे देखो ये थोड़ा बहुत ऐसे निकला, नहीं तो उसको कितना ज़्यादा निकल गया था। और इसकी एक और चीज़ खासियत है, मतलब कि इसको हमको ऐसे हाथ से निकालना पड़ता है ज़्यादा कचरा, तो इसको हम ऐसे टच करेंगे और फिर ऐसे नीचे गिरा देंगे। देखो इसको मतलब ऐसे इरेज किया हमने, ये देखो इस पर चिपक के आ गया वापस, मतलब नीचे नहीं लगा। काफ़ी अच्छी खासियत है इनकी डोम्स की इरेजर की, जैसे ये आ गया ये ऐसे ऐसे उठा के फिर इसको ऐसे नीचे गिरा देंगे हम, मतलब काफ़ी अच्छे थे ये दोनों इरेजर, काफ़ी अच्छे। अगर आप मतलब इसको ख़रीदना चाहें तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ये खरीद लीजिए। MRP सिर्फ 20 रुपीज़ इनका हमको मिल जाता है, लोकल की कोई भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे ये। मैंने भी ऐसे कोई लोकल स्टेशनरी शॉप में से लिए थे। तो गाइस यही थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।